घर में आप हमको कह रहे गठबंधन धर्म, गठबंधन धर्म तो उन लोगों ने नहीं निभाया। सुपौल में जिस तरह से देखा जा रहा है नामांकन धार्मिकता के विरुद्ध नामांकन कर रही थी, उसी समय आरजेडी के विधायक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, आज आरजेडी ने वहां से निवास किया। मैं पहले ही कहा था और उसका वीडियो वायरल हुआ हुआ है, मुंहतोड़ जवाब देगा, युद्ध होगा, युद्ध युद्ध। दो तरह के आरजेडी है, एक आरजेडी है जिसने कंप्लीट रूप से कर्पूरी ठाकुर लालू यादव जो एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था बनाया था उसको खत्म कर दिया, एक है दलाल तक की राजनीति। कोसी सीमांचल में खासतौर पर कोसी ये लड़ाई धर्मयुद्ध की है, कोसी की जो लड़ाई है एक तरफ गरीब कॉमन मैन यूथ छात्र और किसान और दूसरी तरफ मुट्ठीभर जाति धर्म के दलाल उन्मादी, इन लोगों का कुनमा बन गया है ठेकेदारों का दलालों का, जो आम आदमी को राजनीति में युवाओं को राजनीति में आने देना पसंद नहीं करते। ये एक चुनौती है पप्पू यादव के लिए, और जो लोग ऐसी राजनीति करते हैं ठेकेदार पट्टेदार की उसको जनता जवाब देगी, पप्पू यादव की कोई औकात नहीं होती। सुपौल की जनता भगवान की तरह है और उन्होंने बता दिया नॉमिनेशन के दिन बेटी कौन है, सुपौल का वारिस कौन है, कोसी का कौन वारिस होगा। इसलिए रंजीत रंजन को इतना आशीर्वाद और दुआ लोगों का प्राप्त है सभी जाति वर्ग, रंजीत रंजन पप्पू यादव जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के लोगों ने पाला है। यह लड़ाई कंप्लीट रूप से ठेकेदार दलाल टाइप की जो राजनीति की संस्कृति पैदा हुई थी किया गया था उसको मिटाकर, जाति का जहर को मिटाकर एक नए कोशिश सीमांचल के इतिहास के लिखने की लड़ाई है, और ये युवाओं की लड़ाई है। जवाब इस मधेपुरा सुपौल का युवा, वहां के हर जाति वर्ग के लोग और गरीब लोग उसका जवाब दें।